गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है डबुआ मंडी स्पेशल ब्लॉग। मैं बता दूं डबुआ मंडी क्या है। एक्चुअली मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं आज तक डबुआ मंडी और सदर मार्केट जो दिल्ली की है नहीं गई हूँ। और डबुआ मंडी जो है फरीदाबाद की वो मंडी है जिस मंडी से जो फरीदाबाद की और मंडी होती है छोटी सब्जियों की, वो सारी सब्जी वहीं से आती है डबुआ मंडी से। जैसे सोच लीजिए कि होलसेल मंडी है वो। तो मैं भी पहली बार जा रही हूँ और मुझे जो है इन्होंने बोल दिया है कि ये बाली वाली उतार ले क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, कोई ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल सिंपल सोवर बन के जा रही हूँ और देखिए मेरे घर में कोई साफ सफाई नहीं हुई। हम सुबह उठ के पहले यही काम करेंगे। और एक्साइटमेंट भी है कि पता नहीं, सुना है बहुत तारीफ सुनी है डबुआ मंडी ये है डबुआ मंडी वो है, आज जाके पता चलेगा डबुआ मंडी क्या है। एक डबुआ मंडी है, एक ओखला की मंडी है। ओखला की मंडी दिल्ली में है, वहाँ तो मैं कभी मेरे को लगता नहीं, पर आज डबुआ मंडी में देखती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं यहाँ वीडियो बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, चाहे गाड़ी में से बनाऊँगी मैं बनाऊँगी ज़रूर। और क्योंकि ये कहते हैं अगर बाहर कैमरा लेके जाएगी फ़ोन लेके जाएगी तो इतनी भीड़ है कोई फ़ोन छीन लेगा तो कोई गारंटी नहीं है। पहले मैं वहाँ जाके देखूँगी। तो आप सभी चलिए साथ में डबुआ मंडी घूम के आते हैं। तो हमारा ड्यूक रहेगा घर पे बाहर। और इसका बाउल ले लिया आपने, लाए क्यों नहीं? तो पहन लिया हमने नॉर्मल चप्पल और ये है ड्यूक का पानी, ये है हमारा ड्यूक। ड्यूक घर पे रहना आराम से, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? बाहर मत जाना, यहीं बैठे रहना, तेरे लिए चीजें लेके आऊंगी। बस बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ, गुड बॉय, अभी हम आ जाएंगे, ठीक है? हम निकल चुके हैं अपने एरिए से बाहर मेन रोड पे। और ये जो मेरे पास साथ में बैठे हैं, मैं इन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ कि डबुआ कॉलोनी की क्या कहानी है, क्योंकि इनकी पैदाइश यहाँ की है और यहीं पे रहने वाले हैं। वो है हमारे डियर हस्बैंड जी, और जो कि 24 घंटे डराते रहते हैं मेरे को। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने इतनी जल्दी जल्दी में मेरे को बिंदी भी नहीं लगाने दी, प्रॉपर चुन्नी भी मैच करके नहीं लेने दी कि लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इनसे सुनते कि डबुआ की कहानी क्या है, कि ये तो शुरू से ही डबुआ से सब्जी लेकर आते थे। क्या है भाई डबुआ की कहानी, सुनाइए जी। डबुआ सब्जी मंडी में सब्जी और फल फ्रूट फरीदाबाद की सबसे बड़ी मंडी है। इस मंडी से पूरे फरीदाबाद में सब्जियां और फल फ्रूट को लेकर जाया जाता है, और यहां पर फल फ्रूट और सब्जियां बहुत सस्ते मिलती हैं और मार्केट रेट के कंपेयर। तो जो और मंडी है उनकी भी ये जो ये लेके आए केले वेले सब सब डबुआ से लेकर आ रहे हैं। अरे आप ही पता, पूरा ऑटो भर के आया केले से, ये सब डबुआ से आए। अच्छा, मतलब होलसेल की मंडी है वो, होलसेल रिटेल दोनों की मंडी है, रिटेल में बहुत सस्ता सामान मिलता है। अब बाकी की वीडियो देखती हूँ कि यहाँ से कितनी दूर है। 6-7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर 8 भी हो सकता है शायद, मेरे को आइडिया नहीं है, ये कह रहे 6-7 किलोमीटर दूर है। जब मैं मंडी के पास एंट्री करूंगी मैं तब से कैमरा ऑन कर दूंगी गाड़ी के अंदर से, और वहां जाके माहौल देखूंगी। पहले तो हम खरीद लेंगे सब्जी, तब तो मेरे पास फोन नहीं होगा क्योंकि सब्जी लेना मोस्ट है। और उसके बाद जब हम सब्जी रख लेंगे गाड़ी में, फिर मैं 3 या 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगी स्पेशल मंडी की। और जो भी फरीदाबाद के आसपास में है और जिनको पता नहीं है कि डबुआ मंडी की क्या खासियत है, तो वो मंडी आ सकते हैं होलसेल में सब्जी लेने के लिए। नया बिजनेस शुरू करना हो तो भी वहीं से शुरू कर सकते हैं। और घर में गेस्ट बहुत सारे हैं, फंक्शन है, और आपकी मंडी महंगी है तो डबुआ मंडी से हम ला सकते हैं। आपको दिखाती हूँ अपने सेक्टर का एरिया, ये है फरीदाबाद 21A। और इधर ये सारे पॉश एरिया है, इधर बाहर सब्जी की कोठी भी है। किन की है, सीमा त्रेखा की, हाँ है ना।
हाँ, तो ये हमारा सेक्टर एरिया है पूरा, ये देखिए। ये वाला एरिया मैंने आपको पहले कभी दिखाया नहीं है, क्योंकि इस एरिया से हम बहुत कम आते हैं। और ये जो आगे ट्रायंगल का बन रहा है सड़क है, दो साइड से जा रही है, एक साइड से तो ये 5 नंबर जाएगी, दूसरी साइड से SGM नगर जाएगी, 48 सेक्टर। सड़क दिखाएगी तो सब कुछ देखना होता है ना। चलो अब मिलते हैं मंडी में। तो हम लोग आ चुके हैं डब्बू और मंडी की एंट्री में, और अभी अभी बताया उन्होंने मेरे को। यहाँ पे ना ऊबड़ खाबड़ सड़क है, तो इसे ये फोन आगे पीछे हो रहा है। और ये है स्टार्टिंग डबुआ मंडी की। मेरे को शायद मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं कभी इस मंडी में नहीं आई हूँ, पहली बार आ रही हूँ। बस ऐसे लगेगी आगे तक। नहीं, फ्रूट बाद में पता करते हैं, कर लो फिर पता करते करते जाओ। देखिए एक साइड में है इधर केले फ्रूट, दोनों साइड में फ्रूट्स की मंडी है। और ये देखिए यहाँ पे जा रहे हैं ये लोग पैक करवा के, रेडी वाले जो गली में आते हैं ना भैया, वो सारे। तो पहले हम लगा देंगे गाड़ी को साइड में, उसके बाद लेंगे फ्रूट्स सब्जी, लेकिन वो सब मैं कैमरे में नहीं दिखा पाऊंगी। बाहर जा रहा वहाँ पर, मैं भी चल रही साथ में, पीछे आते मैं जा रहा हूँ। तो हमारा सफर हो चुका है डबुआ मंडी का ख़त्म लगभग, मतलब घर नहीं पहुंचे हैं डबुआ मंडी से, जो सब्जी फ्रूट्स लेने थे ले लिए, और बाकी बातें करेंगे घर पे जाके। तो हम निकल चुके हैं मंडी से बाहर, और रास्ते में दिख गई है हमें पाइनएप्पल की रेड़ी और नारियल की रेड़ी, तो बस ये हमने लिया पाइनएप्पल और मैंने लिया एक नारियल का पीस। रास्ते में खाते खाते आ गए 5 नंबर में, मिल गए गणपति जी, तो वहाँ पे उनको नमस्कार किया, थोड़ा सा रेड लाइट का जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको फॉलो किया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का डबुआ मंडी स्पेशल ब्लॉग। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।